अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। थाली थाना के खखंदुआ गाँव में माँ भगवती क्रेशर गार्ड की हत्या के मामले में एक गिरफ्तार। नवादा जिले के गोविंदपुर के थाली थाना क्षेत्र के खखंदुआ गांव के मां भगवती ट्रेसर गार्ड की पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में नवादा पुलिस ने कांड के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त की रात्रि को खखंदुआ गांव के कुछ लोग क्रेशर गार्ड विनोद सिंह के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें पटना पीएमसीएच इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके साथ में रहे पटना भीटा के योगेंद्र सिंह के पुत्र विकास कुमार ने थाली थाना में थाना कांड संख्या 220/24 दर्ज कराया था, जिसमें 4 लोगों को मामले का अभियुक्त बनाया गया था। कांड का मुख्य अभियुक्त खखंदुआ गांव निवासी कुलदीप यादव के पुत्र कारू यादव को उसके ससुराल गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सरकंडा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। डीएसपी ने बताया कि छापेमारी दल में प्रभारी थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सैनी, SI गिरधारी सहनी, नवनीत पाठक, प्रशिक्षु अवर निरीक्षक चांदनी कुमारी सहित कई अन्य मौजूद थे। क्रेशर गार्ड की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में सुनिए क्या कहते हैं डीएसपी। दिनांक 30/8/2024 को थाली थाना अंतर्गत ग्राम खखंदुआ में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें विनोद सिंह जो कि अकबरपुर थाना के रहने वाले थे, जो कि वहां गार्ड के रूप में कार्य करते थे, उनके द्वारा गंभीर रूप से मारपीट की गई थी। बाद में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में थाली थाना कांड संख्या 220/24 थाली थाना में दर्ज किया गया है एवं बाद में उनकी मृत्यु के बाद जो परिजनों के द्वारा फर्द बयान दिया गया है उसको भी कांड के साथ संलग्न किया गया। उक्त कांड में जो आज पकड़ाए गए हैं अभियुक्त कारू यादव एवं उनके सहयोगियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, और चूंकि कांड काफी संवेदनशील था इसलिए हम लोग के द्वारा, हमारे SP साहब के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था जो कि इनके गिरफ्तारी के लिए और कांड में और अनुसंधान के लिए कार्य कर रही थी। और इसमें जो हमारी टीम थी उनके द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद कांड के मुख्य अभियुक्त कारू यादव को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों के भी जो भी अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस कांड में कितने लोग अभियुक्त हैं? इस कांड में जो प्राथमिकी दर्ज कराया गया था उसमें पहले 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था जो कि साथ में गार्ड थे उनके द्वारा। बाद में जो फर्द बयान प्राप्त हुआ है उसके अवलोकन से 5 लोगों को नामजद किया गया है एवं 10 अज्ञात की बात बताई गई। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, बाकी जिनकी जिनकी संलिप्तता आएगी उसकी गिरफ्तारी। कारू यादव कहाँ के हैं? खखंदुआ ग्राम के ही रहने वाले हैं और पूर्व में वहीं पे गार्ड का काम ये करते थे और लेबर वगैरह भी सप्लाई किया करते थे उस प्लांट। इनको पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे काम नहीं मिल रहा था और जो वहाँ पे कार्यरत गार्ड से उनके प्रति इनके मन में एक विद्वेष की भावना थी, तो इस घटना को कारित करने का मौका।